तो आप लोग सब मेरा फ्रेंड्स देख ही सकते हो, मैं एक प्यारा सा लुक क्रिएट की हूँ, ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक क्रिएट की हूँ। इस लुक को देखने के लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक, चलो वीडियो पे पहले देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे फेस वॉश करके चले आया एंड उसके बाद मैं रोज वाटर से अपना फेस को क्लीन कर लिया। उसके बाद मैं एलोवेरा जेल अप्लाई कर रही हूँ, एज अ मॉइस्चराइजर की तरह काम करेगा। एंड उसके बाद मैं आईब्रो ड्रॉ कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल से। आप चाहो तो आईब्रो किट से भी ड्रॉ कर सकते हो। ऑफ कैमरा मेरा आईब्रो ड्रॉ कम्प्लीट हो गया एंड उसके बाद मैं गुड वाइब्स की रोज ही सीरम अप्लाई कर रही हूँ पूरा फेस पे एंड हल्का हाथों से मसाज कर लिया। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे हुदा ब्यूटी कंसीलर से मैं अच्छे से ब्रश से पहले कंसीलिंग कर ले रही हूँ अच्छे से। एंड उसके बाद मैं करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड, अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ऐसे कंसीलर एंड प्राइमर की तरह यूज़ कर रही हूँ आइज़ के ऊपर एंड आईब्रो को भी साफ दिखा रही हूँ। एंड उसके बाद मैं थोड़ी सी हल्का क्रीमी कलर सा सेट ले कर आइज़ के कट क्रीज के ऊपर प्लेस किया। एंड उसके बाद थोड़ी सी डार्क शेड लेके कट क्रीज के ऊपर प्लेस किया। एंड उसके बाद पेंसिल ब्रश से थोड़ी सी ब्राउन कलर लेके अपने कट क्रीज के नीचे तक ही प्लेस किया। एंड उसके बाद हाथों से मैं प्लेस कर रही हूँ। एंड उसके बाद सीनरी से ब्राउन कलर शेड लेके आईज के ऊपर प्लेस कर रही हूँ कट क्रीज के नीचे प्लेस करके। उसके बाद मैं फिर से वही ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर दे रही हूँ कट क्रीज के ऊपर। ब्लेंड करने के बाद मैं थोड़ी सी आईज को आईबॉल के ऊपर कट करूँगी अच्छे से कंसीलर से। कट करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया। एंड उसके बाद स्काई कलर अपने जहाँ पे कट किए थे आईबॉल के ऊपर प्लेस कर रही हूँ। एंड उसके बाद सेम सिमरी सा ब्राउन कलर से शेड लेके आईज के इनर कॉर्नर पे एंड आउटर कॉर्नर पे प्लेस कर रही हूँ। एंड आप लोग देख सकते हो उसके बाद मैं फिंगर से थोड़ी सी ब्लेंड कर दिया। एंड ऑफ कैमरा मेरा दोनों आई मेकअप हो गया कंप्लीट। एंड उसके बाद मैं लैक्मे की लाइनर यूज़ करती हूँ जो मेरी फेवरेट लाइनर है। एंड उसके बाद ब्लू हेवन की प्राइमर यूज़ कर रही हूँ पूरा फेस पे। अच्छे से प्राइमर को यूज़ करना है जैसे आपके पोर्स क्लोज हो जाए। एंड उसके बाद कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ, ऑरेंज करेक्टर है हिलारी रोडा का, बहुत ही अच्छा करेक्टर है। इसे मैं हाथों से ब्लेंड कर दे रही हूँ। एंड उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से टैप टैप करके ब्लेंड कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लैक्मे की फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ इनविजिबल फिनिश, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है फुल कवरेज। इसे डॉट डॉट करके पूरा फेस पे अप्लाई करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ गाइस। एंड आपका फेस में थोड़ी मतलब काला धाग जब्बा है तो आपको कलर करेक्टर करना है। उसके बाद मैं कंसलिंग कर रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे कंसलिंग की ज़रूरत है, कंसलिंग को भी हम ब्लेंड कर लेंगे, बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे। मतलब आपको फाउंडेशन हो कंसलिंग हो सबको एक अच्छे से ब्लेंड करना है, घसना नहीं है। एंड उसके बाद मैं ब्रेकिंग कर रही हूँ बनाना सेट पाउडर लेके। एंड उसके बाद काजल अप्लाई कर रही हूँ एंड ब्लू हेवन की काजल है गाइस, बहुत अच्छा काजल है 10 रुपये का। एंड इसे भी मैं स्मार्च कर रही हूँ ब्लैक आई शेडो से एंड दोनों आईज पे भी मैं स्मार्च कर दे रही हूँ। एंड उसके बाद एक्स्ट्रा पाउडर को हम डस्ट आउट कर दे रहे हैं। एंड उसके बाद आईज की सॉरी नोज को मैं कंटूर कर रही हूँ अच्छे से। कंटूर करने के बाद अब जहाँ जहाँ मुझे कंटूर करना है अपने चिक्स पे अपने फोरहेड पे वहाँ वहाँ मैंने कंटूर कर लिया। एंड उसके बाद मैं करूँगी ब्लश, मुझे ब्लश बहुत पसंद है, मैं देखो हंस हंस के कर रही हूँ अपने चिक्स पे अपने नोज पे ब्लश। एंड ब्लश करना भी कंप्लीट हो गया एंड मैं नोज को हाईलाइट कर रही हूँ अपने चिक्स को हाईलाइट कर रही हूँ। और गाइस मुझे हाईलाइट करना भी बहुत पसंद है एंड हाईलाइट हो गया। एंड उसके बाद मैं अभी आईज के इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ। एंड उसके बाद ब्राबोन को हाईलाइट कर रही हूँ अच्छे से। ब्राबोन को हाईलाइट करने के बाद एक स्विस ब्यूटी की लिप बॉर्डर से पिंक सा लिप को ड्रॉ कर रही हूँ। एंड उसके बाद एक ब्राउन कलर से शेड लेके लिप को ड्रॉ कर लिया। एंड उसके बाद रेड ब्राउन सा शेड है लिपस्टिक की एंड ग्लॉसी लिपस्टिक है, काफ़ी प्यारा लिपस्टिक है। इसे ही हम लिप्स पे अप्लाई किए एंड मेकअप सेटिंग्स पे सेट कर लिया। एंड उसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ तो आप लोग अभी देखोगे मेरा फाइनल लुक। देखो नाचते नाचते मेरा फाइनल लुक कंप्लीट हो गया गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो ये डन हो गया मेरा फाइनल लुक।
गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो